हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अपूर्वा कौशिक है। आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे क्लिक चेक। क्लिक चेक एक ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करने के लिए इक्विपमेंट है। इसको करने का प्रोसेस क्या है, इसको कब यूज़ करना है और इसको यूज़ करने के लिए टिप्स क्या हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट की विजुअल एक्यूटी क्या है। विजुअल एक्यूटी मेजर करने के लिए दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। विजुअल एक्यूटी या तो पेशेंट की 6/6 हो सकती है, दैट मींस पेशेंट ईमेट्रोप हो सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि पेशेंट की विजुअल एक्यूटी 6/6 से कम हो। अब अगर पेशेंट की विजुअल एक्यूटी 6/6 है तो वो ईमेट्रोप है और उसका प्रेस्बायोपिक करेक्शन देख के हम उसको नज़दीक के लिए चश्मा दे देंगे। अगर पेशेंट की विजुअल एक्यूटी लेस देन 6/6 है, उस कंडीशन में हम उसके ऊपर पिनहोल परफॉर्म करेंगे। पिनहोल में विजन इम्प्रूव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर पिनहोल से विजन इम्प्रूव कर रहा है तब हम उसका रिफ्रैक्शन करेंगे। अगर पिनहोल से विजन इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो हम ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास रिफर कर देंगे। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन और सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन होता क्या है। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन हम हमेशा अपने ही द्वारा या किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन हम मरीज की मदद से करते हैं, उसके अनुसार ही हम उसको नंबर निकाल के दे सकते हैं। क्लिक चेक एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी पेशेंट के रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ आई को बता सकता है। इसमें एक चार्ट एम्बेडेड होता है, लगा हुआ होता है, जिसमें हम स्फेयर और एस्टिमेटिज्म पावर निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स होते हैं कुछ, जैसे कि ये पोर्टेबल है, मूवेबल है, ईजी टू हैंडल है और ईजी टू यूज़ है। क्लिक चेक बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करने की टेक्निक है जिसे हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन से पहले परफॉर्म करते हैं। एक बार क्लिक चेक के थ्रू आप किसी का नंबर निकाल लें, उस नंबर को आप ट्रायल सेट से ट्रायल फ्रेम में लेंसेज लगाइए और पेशेंट को पहनने के लिए बोलिए। क्लिक चेक को आप घर के बाहर या घर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि वो डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आने से बचे। ये है डिवाइस जिसमें -11 से +8 तक का पार्ट्स निकाल सकते हैं। इससे हम स्फेरिकल पावर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इसमें +8 से लेके -11 तक का पावर मेंशन है। यहाँ हम +8 पे इसको सेट कर देंगे। इसको सेट करने के बाद पेशेंट को इसको होल्ड कराएंगे, उसको बोलेंगे स्लीव को रोटेट करने के लिए। जब वो स्लीव रोटेट करेगा तो इसमें जो विजन चार्ट बना हुआ है, उस विजन चार्ट में जो लाइन्स हैं, जिस पॉइंट पर पेशेंट को वो लाइन्स क्लियर दिखेंगी, उस पॉइंट पर हम पेशेंट को रुक जाने के लिए बोलेंगे। अभी हम देखेंगे सिलेंड्रिकल पावर कैसे निकालनी है। सिलेंड्रिकल पावर निकालने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि उस विजन चार्ट पे फोकस रखे। अगर उसको सारी लाइंस क्लियर या सारी लाइंस ब्लर दिख रही हैं तो उसका एस्टिग्मेटिज्म लेस देन 1 डायपर यानी 1 डायपर से कम है। अगर उसको कुछ पार्शली क्लियर और पार्शली ब्लर दिख रही हैं तो उसका एस्टिग्मेटिज्म ग्रेटर देन 1 डायपर है। एक्सेस के लिए जो लाइंस चार्ट में दिख रही हैं उन लाइंस के ऊपर कुछ इमेजेस हैं, उन इमेजेस के अकॉर्डिंग जो लाइन सबसे ज़्यादा ब्लर होगी, जैसे कि इमेज में दिख रहा है स्टार वाली लाइन ज़्यादा ब्लर है, वो इंडिकेट कर रहा है कि एक्सिस 120 डिग्री है। स्फेरिकल पावर हमने जो फाइंड आउट की थी उसमें हमने पेशेंट को बोला था स्लीव रोटेट करने के लिए। अब हमें फाइंड आउट करना है सिलेंड्रिकल पावर। लेट से ए पावर आई है पेशेंट की -2 डायप्टर, दैट मीन्स इनिशियल उसका जब लाइन्स क्लियर होने लगा था वो था -2। बी हमने ले लिया मैक्सिमम किसी पेशेंट का जहां पे विजन क्लियर हुआ होगा। सिलेंड्रिकल पावर दैट मींस फाइनल पावर सी जो आएगी वो है -2 डायप्टर सिलेंडर, तो हमारी फाइनल पावर रहेगी -4 स्फेरिकल, इसके साथ -2 सिलेंडर और एक्सिस 120। क्लिक चेक को परफॉर्म करने के लिए हमें उससे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमें चाहिए पूरी रोशनी वाला कमरा। अगर आप पूरी रोशनी में भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट आंखों पर ना पड़े। दूसरी चीज़ हमें चाहिए ट्रायल सेट और ट्रायल फ्रेम। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है डिस्टेंस विजन चार्ट। क्लिक चेक को परफॉर्म करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सबसे पहले हमें इसके थ्रू राइट आई परफॉर्म करवानी है, फिर हमें लेफ्ट आई की तरफ जाना है। दूसरी चीज़, हमें पेशेंट को हमेशा एक्सप्लेन करना है कि ट्यूब को हॉरिजॉन्टली पकड़ना है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं पकड़ना है। पेशेंट की दोनों आँखें हमेशा खुली हुई होनी चाहिए। इस क्लिक चेक के अंदर जो विजन चार्ट
बना हुआ है उसके बीच में एक टारगेट है, पेशेंट को हमेशा उस पर फिक्स करने के लिए बोलेंगे। क्लिक चेक को हमेशा क्लीन और हाइजीनिक रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर किसी पेशेंट की आँख में कोई इन्फेक्शन है तब हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। इसे आप अपनी आँख पे रखेंगे, इसे आपको अपने हाथ में होल्ड करना है। आप दोनों आँखें अपनी खुली रखेंगे, आपका फेस टिल्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जब आप इसमें देखेंगे अंदर, आपको अंदर एक टारगेट दिखेगा, एक चार्ट के साथ, लाइंस के चार्ट के साथ अंदर ई बना हुआ है। उस टारगेट पे फोकस रखना है। उस पे फोकस करते में आपको ये स्लीव रोटेट करनी है। जब वो टारगेट क्लियर हो जाएगा आप उसी स्टेप पे, उसी पॉइंट पे रुक जाइएगा। ठीक है, इसे करते हैं। ओके, इट्स माइनस टू। लेट्स परफॉर्म इट। इसको फिर से करते हैं। एक बार और फिर से कीजिए। माइनस वन। ओके, सिलेंड्रिकल पावर के लिए अभी मैं दो स्टेप पीछे जा रही हूं। इसमें आपको जो चार्ट दिखा था उस चार्ट पे आपको फोकस करना है और देखना है उसमें जो लाइंस हैं वो सारी साफ हैं या उसमें कुछ धुंधली भी दिख रही हैं। ठीक है, अभी इसे लगाइए। वो लाइंस क्लियर है? हाँ, सारी लाइंस क्लियर है। ओके, अभी हम आपकी लेफ्ट आई को देखते हैं उसमें क्या नंबर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पावर के लिए अभी मैं दो स्टेप पीछे जा रही हूँ। इसमें आपको जो चार्ट दिखा था उस चार्ट पे आपको फोकस करना है और देखना है उसमें जो लाइंस हैं वो सारी साफ हैं या उसमें कुछ धुंधली भी दिख रही हैं। ठीक है, अभी इसे लगाइए।